सर मेरी एक बेवा बेटी और एक ही बेटा है। बेटा कहाँ है आपका? वो बेगुनाह जेल में है। तकलीफों से मैं गुजर रहा हूं, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना गुजारे सच। किसी का बाप भी हमारी बहन के हक पर प्लाजा क्या एक ईंट भी खड़ी नहीं कर सकता। मैं एक बात जानता हूं, तू मेरा भाई है। नाम किया और तू मेरा। आपके बंदों ने भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। टीवी ऑन करें, देखें जरा क्या गुल खिल रहे हैं मीडिया पर। शारिक हबीब पर इस कातिलाना हमले में हाजी शफीक और उसके कारिंदे मुलव्वस हैं। जैन माफिया के इस ग्रुप ने शहर की सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है। हम आपको ये भी बताते चलें कि हाजी शफीक पर मुख्तलिफ अदालतों में लैंड ग्रैबिंग के एक दर्जन से जायद मुकदमात जेरे समात हैं। वाह भी वाह, इधर तो हीर रांझा चल रही है और उधर मीडिया पे वैशी गुजर का ट्रेलर चल रहा है। ये शार का भी पर कातलाना हमला, गोलियां चल गईं, ऐसी सनसनी फैलाई तुम्हारे चैनल ने कि मैं भी डर गई। तो मेरी प्यारी अम्मा जान, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था, आपको बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी तकलीफ की आपने? पहले कभी मैंने तेरी बात का यकीन किया जो अब कर लूंगी। आगे भागी भागी तेरे पास। तू कैसी है पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आपने इतनी तकलीफ की, मुझे बताएं आपको कुछ चाहिए? शादी की तारीख दे दो दोनों। खुदा का वास्ता अम्मा, हॉस्पिटल है ये, आपने तो शादी को वजीफा बना लिया कसम से। वजीफा नहीं, छेड़ी बना दिया। लो जी, अल्लाह मियाँ की गाय को भी अपने जैसा बना लिया है, ये भी तुम्हारी बोली बोलने लग गई है। ओ खुदा के बंदो, शादी के बाद 10 बार सोचोगे हीरो बनने से पहले, इसीलिए कहती हूँ कि शादी कर लो। लोहा इतना गर्म है कि सबके पैर जलने लगे हैं, अब सबको अपनी अपनी नौकरी की पड़ी है। तो बता प्लान्स क्या हैं? प्लान क्या है, आज रात को फिरदौस साहब का इंटरव्यू करते हैं, बल्कि उनका नंबर दे, मैं टीम से लाइनअप करवाता हूँ। कहाँ पे हैं वो? सेफ है, मुझे लगा उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे इसलिए अपने घर ले आया। तू जब कहेगा मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। क्यों? उस प्लॉट पर प्लाजा बनाने में हाजी के साथ जितनी सरकारी काली भेड़ें और जितने गैर सरकारी भेड़िये थे ना, सब पीछे हट चुके हैं। और आखिरी खबरें आने तक आपकी बीमार पुरसी के लिए हाजी अस्पताल रवाना हो चुके हैं। ठीक है, आने दो। साथ की बात भी ठीक है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं क्यों तुम दोनों के घर में रहूंगी? देखिए अम्मी, अब तो फैसला हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे शर्म आएगी बेटा कि मैं दामाद के घर में पड़ी हुई हूँ और वो मुझे खिला रहे। अम्मी, आपको दामाद नहीं खिलाएगा, आपकी बेटी खिलाएगी, क्योंकि आपकी बेटी को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अच्छा, पर कहाँ? भाई वो तो सरप्राइज है, जिस दिन ज्वाइन करूंगी उस दिन बताऊंगी। खुदा गवाह है, मुझे कुछ नहीं पता था। जिन लोगों ने यह हरकत की है, मैं जाकर उन्हें खुद थाने छोड़ कर आया हूं। और मैं आपके साथ ऐसी ज्यादती का सोच भी नहीं सकता था। मैं आपका फैन हूं और आप हमारे मुल्क का सरमाया है शारिक साहब। हाजी साहब, जिस तरह आपने सरमाए को लूटा है, आप भी जानते हैं और मैं भी।
میری لیڈی کولی کو ہراسا کیا, گالیاں نکالی, کیمرے توڑے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں سارا نقصان بھرنے کے لیے تیار ہوں. میرا نقصان تو بھر دیں گے آپ, فردوس صاحب کا نقصان کون بھرے گا؟ میں اور کون, فردوس صاحب ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان سے ڈیل بنا لیں گے. پہلی ڈیل میں تو ان کے بچے کو اندر کروا دیا, دوسری ڈیل میں ان کو اندر کروائیں گے کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ غصہ تھوک دیں, اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا. جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. جیسا فردوس صاحب کہیں گے بالکل ویسا ہوگا, اور اگر ویسا نہ ہوا تو آپ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کریں گے. آپ حکم تو کریں, آپ کے لیے جان بھی قربان ہے بادشاہ. ایک سیکنڈ, رمشا کو کہو حاجی کے ساتھ اس ملاقات کو ریکارڈ کرے, کل کو وہ مکر گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. حاجی صاحب, میں آپ سے ہونے والی تمام بات چیت کو کیمرے میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہے, پھنس گئی جان شکنجے میں. بول. سب سے پہلے خورشید کے خلاف سارے کیس واپس لیے جائیں گے. سب سے پہلے خورشید کے خلاف سارے کیسز واپس لیے جائیں گے. کل ہی لے لیں گے شارق صاحب, اور حکم کریں. فردوس صاحب کی پراپرٹی کو مارکیٹ ریٹ پہ خریدا جائے گا. فردوس صاحب کی پراپرٹی کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق خریدا جائے گا. وہ بھی خرید لیں گے, ان سے کون سی ہماری ذاتی دشمنی ہے. آخری اور سب سے ضروری شرط, جب یہ مال بن جائے گا تو اس میں دو دکانیں تجھے اور رمشا کو گفٹ کی جائیں گی. کیا بکواس کر رہے ہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مذاق کر رہا ہوں ایڈیٹ, مجھے پتا ہے تجھے کچھ نہیں چاہیے. البتہ اگر تجھے کچھ چاہیے تو بتا. حاجی صاحب بہت موڈ میں ہیں, انکار نہیں کریں گے. بے نہیں یار, لعنت بھیجتا ہوں اسے حرام کے مال کو. حرام کا مال حرام کی آل پہ لگتا ہے. سن, حاجی کو بول 24 گھنٹے میں یہ دو کام نہ ہوئے نا تو اس کا کام برابر ہو جائے گا. اچھا یار, کتنا اور ٹائم لگے گا؟ تو چپ کر کے بیٹھ, تجھے کس چیز کی جلدی ہے؟ یار وہاں لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے, اب ہیروئن بھی اتنا ٹائم نہیں لگاتی ہے تیار ہونے میں. بیٹا, ہیروئن اس لیے ٹائم نہیں لگاتی کیونکہ تیار ہونا اس کی روز کی دیہاڑی ہے. تو ماشاء اللہ سے زندگی میں پہلی مرتبہ گروم ہو رہا ہے نا, اس لیے وہ جو کرنا ہے ان کو کرنے دے. بالکل ٹھیک تو کہہ رہے, اور تجھے پتا ہے اپنا شازن آج بھی ہر سنڈے اپنا فیشل کرواتا ہے, ابھی تو اتنا چکنا ہے ہمارا بھائی, اس کے تجربے پہ انگلی مت اٹھا. اوئے زیادہ اوور نہ ہو, ورنہ ایک انگلی میری بھی اٹھ جائے گی. ہاں اے کمینو, سارے تجربے آج ہی یاد آئے. ہاں پھر ان کی ممی بنا کر مجھے یہاں بٹھا دیا. اے اے کون کون ہے, کون ہے؟ ہاں نہ آنکھیں کھول سکتا ہوں نہ منہ. باتیں نہ کریں سر, رنکلز پڑ جائیں گے. سوچو سانس ہی نہ لوں, پھیپھڑوں میں رنکلز نہ پڑ جائیں. بس سر اوکے, 5 منٹ پہ. ارے بھائی ہلکا ہاتھ, ہلکا ہاتھ, منہ ہے میرا, منہ دیوار نہیں. لگ رہا ہے کہ ریگ مال مار رہے ہو, بس کر. ارے بھائی مجھے کوئی اور دے دے یار, یہ کوئی انتقام لے رہا ہے مجھ سے. اے بھائی کیا ہو گیا؟ اے شاہزین, تو کیا مجھے یہاں گرومنگ کے لیے لایا یا میرا رینوویشن کروانے؟ تھوڑی اور تکلیف برداشت کر لے میری جان, 5 منٹ کی رگڑائی کے بعد نا تیرے چہرے پہ ایسا نور آئے گا, تو اتنا چکنا لگے گا کہ تجھے خود سے محبت ہو جائے گی. فی الحال تو نفرت ہو رہی ہے تم سب سے. اور شارق کہاں ہے؟ تیرے پاس ہی ہوں بیبی, ٹینشن نہ لے, تو بس کال ایزی رکھ. کمینو, میری شادی سے پہلے میری طلاق کروانے کی کوشش میں کیوں ہوں؟ اب میں ایسے ہی جاؤں گا, سب دیکھیں گے میری یہ دوست دشمن. کمینو پلان تو بغیر. یا کیا کر رہا ہے, سائیکل چلا رہا ہے یا گاڑی؟ اب سپیڈ بڑھا. یار یہ سرکاری گاڑی ہے, اب سرکاری گاڑی میں ایک ہی سپیڈ آتی ہے, فکس سپیڈ. یہ 40 سے اوپر کی اس کا انجن سیز ہو جائے گا. ویسے کوئی بہت ہی بڑی چس ماری ہے تم. اوئے تو مجھے کیوں آنکھیں دکھا رہا ہے, میں نے کیا کیا ہے؟ یار کیا انتقام لے رہے ہو تم تینوں مجھ سے, ہاں؟ اور وہ بھی آج کے دن. تم پہ کام نہیں بیبی, یہ تو محبت ہے مجھ سے. ہم چاہتے ہیں تیرے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں. ویسے بھی
शादी के बाद तो तूने टेलीस्कोप में भी नहीं नजर आना। हाँ तू तेज क्यों चला रहा है यार, तुझे क्या जल्दी है? मैं तो सोच रहा हूँ पैदल चलते हैं, भाई साहब के साथ थोड़ा सा और वक्त गुजार के अपनी अपनी जिंदगी ही गुलजार कर लेते हैं। यार बड़ी मुझे फंसा के कहाँ गायब हो गया तू यार, सारे गेस्ट आ गए हैं, तू अभी तक क्यों नहीं आया? ओके बस बस आ रहा हूँ। तेरे फादर कई बार पूछ चुके हैं मुझसे तेरा, आखिरी बार तो बकायदा आंखें दिखा के पूछा जैसे तेरे जाने में संभव मेरा हाथ था। आ जा खुदा के लिए आ जा भाई, सब आ गए हैं। दुल्हन भी? नहीं वो अभी नहीं आई, तेरी अम्मी गई है उसे पार्लर से पिक करने। तू है कहाँ? हाँ यार रास्ते में हूँ, बस तैयार हो रहा था। हाँ भाई इतनी देर में टैंक रेडी हो जाता है जितनी देर में तू नहीं हो पा रहा। तुझे कौन सा मेहंदी हो रहा है? एक सेकंड, वो अम्मी की कॉल आ रही है। ओके जी अम्मा। बेबी मैं ना जाऊँ ना, पांच मिनट में पहुंच रहा हूँ। यार क्या कर रहा है वो, प्लीज तेज चला। ओ इंजन सी कमीनो तो। ओए साद साद। तो भाई जल्दी कर, नहीं तो उसने चलते चलते किसी और हॉल में घुस जाना है। बस तो खाली चल रहा है, चल ना। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बैठ। आजा आजा जा 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 भाई, चिकने बैठ ना। अच्छा यार चल प्लीज पकड़ा। ओहो इंजन चीज हो गया फिर से। तेरी एक अदा के नाम किया सब ऐहदे वफा के नाम किया। मैं बताता यार ये मौलवी मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा, कहीं तेरा निकाह गलत ना पढ़ा दे। चल बकवास मत कर। चलो भाई ना मान, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। अच्छा चलो एहतियातन कम से कम पहला कलमा सुन तो लेना। हाँ ठीक है दादी साहब, आपस की बातें शक तो मुझे भी हो रहा है। मैं तो कहता हूँ पहला नहीं, छः के छः कलमे पढ़ाओ, पहला तो सबको आता है। जिस मौलवी पे शक हो उसके पीछे तो नमाज नहीं होती। ये तो फिर भी निकाह है निकाह। तू मेरी मान, निकाह मुझसे पढ़वा ले, मौलवी से कोई गलती होगी ये ना हो कि कहीं तेरा निकाह होने से पहले ही टूट जाए। बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, आजकल शाम में ये निकाह ही पढ़ा दे। तुम लोगों को ये बदमाशियाँ आज ही याद आई हैं? खुदा के लिए चुप करके खड़े रहो, मुझे हंसाओ मत। शादी के दिन दूल्हे का हंसना अच्छी बात नहीं होती। भाई जान आज जितना हंसना है ना हंस ले, क्योंकि इसके बाद रोना ही रोना है। एक दिन तेरे ऑपरेशन और तेरे मिशन के दरमियान भाभी जी का फोन आएगा, जरा आते हुए एक किलो दही ले आना और एक गड्डी हरे धनिये की भी लेते आना। बल्कि और तो और तुझसे अचीन भी होगा ना, तब भी ये कॉल खड़का देंगी। अजी सुनते हैं वापसी में ना छोटे साथ के लिए पैंपर जरूर लाइएगा। यार छोड़ो छोड़ो इन बातों को, मेरी बात मानो, मौलवी बदल लो, निकाह गलत हो जाएगा। यार तुम जैसे दोस्तों के होते हुए ना ठीक भी गलत हो जाता है। ओह सर, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी शादी में आकर क्या कहते हैं चार चांद लगा दिए। मेरे चारों चांद तो तुम चारों। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक शाह जैन जी, वो एसी साहब किधर हैं? यहीं पर जी आपके पीछे। ओ आ जा बेटा आ जा, और तू अगर मेरे पीछे ना ना होता तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। ओ मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? भूल जाए ना इन बातों को बेटा, बुलाने को मैं सब कुछ बुला सकता हूँ, लेकिन तेरा और शारिक अबीब का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बुला सकता।
किधर है वो? सर मैं यही हूँ आपके पास, और मैं शारिक हबीब नहीं हूँ, आपकी शार्क हूँ। सब क्या है दुआ? दुआ नहीं, कैप्टन डॉक्टर दुआ साहब। अभी भी वक्त है, या मौलवी बदल ले या इरादा बदल ले। हाँ जी, दिखा दिया ना हाजी ने अपना काम, हो गया तेरा ट्रांसफर। देख हमने अपना काम किया, उसने अपना, कब तक खामोश रहता यार वो। कभी ना कभी तो उसने अपना काम दिखाना था। लेकिन देख मैं खुश हूं कि मेरा ट्रांसफर करप्शन करने पे नहीं, करप्शन रोकने पे हो रहा है। वो तो ठीक है यार, लेकिन ज्यादती है कसम से। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं शाहजन से बात करता हूँ, वो रुकवा देगा ट्रांसफर। देख मैंने कनेक्शन वगैरह लड़ाना होता ना तो मैं सीएसआर का इम्तिहान ही ना देता। ओह बाय द वे, तुझे पता है मुझे किस कुडी लाइन लगा है? कहाँ? शाहजैन के इलाके में। नॉट बैड। नाश्ता कर लो पहले, बाद में फोन। टोस्ट बहुत मजे का है वैसे। तुम्हारे हाथ में ऐसा जायका है कि हाथ ही नहीं रुकता। मक्खन मुझे नहीं, टोस्ट को लगाएं आप। जल्दी से रेडी हो जाए नाश्ता करके, we're getting late. Okay. Oh God. क्या हुआ? अबे चीनी की जगह नमक डाल दिया चाय में। मैंने तो चीनी डाली है। खुद देख लो। I'm sorry, जल्दी जल्दी में थी तो नमक डल गया होगा। मैं अभी दूसरी बना के लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे एक्सेप्ट के बाद समंदरों का नमक शहद बन जाए। ये तो एक कप चाय। हाथ छोड़ दो मेरे पार्ट टाइम शायर, अम्मी आ जाएंगी। ओ फुल टाइम डॉक्टर, आने दो। हम क्यों डरे? सलाम अलैकुम अम्मी। Okay. Allah Hafiz and best of luck for the day. सुनो, कहो। तुम हर काम में इतनी जल्दी जल्दी क्यों करती? सुबह सुबह चाय में नमक डाल दिया, कभी कुछ भूल जाती हो,
अब क्या भूल गई मैं? अपना नाम। तुम्हारा नाम? चलो थैंक यू बोलो, थोड़ा क्रेडिट भी दो। सॉरी। क्यों? क्योंकि मैंने ये नेम प्लेट अपनी यूनिफॉर्म से आपको उतारते देख लिया था। मेरी क्रेडिट खाने की मशीन। अपने शरीफ माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। नशे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। हटो आगे से। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं उसे हमेशा के लिए हटा दूं। क्या ये सब? आपका इस्तकबाल सर। ना मैं हज करके आ रहा हूं और ना ही मैं दुल्हन हूं कि मेरे रास्ते में आपने फूल बिछाए हुए हैं। किसके खर्चे पे हो रहा है ये सब? कोई खर्चा नहीं हुआ सर। मेहमान के इस्तकबाल में कैसा खर्चा? ये तो इलाके के लोगों की मोहब्बत है आपसे जो उन्हें खींच कर लाई है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाल हुसैन वालदा गुलाम हुसैन बग्गा सरकार। मुझे जानते हैं? हजूर माई बाप आपको भला कौन नहीं जानता। क्या नाम है मेरा? एसी साहब, मौला आपको डीसी बनाए, डीआईजी बनाए, कौमी असम्बली का स्पीकर बनाए। जिथे सरकार दे पैर होण उत्थे खैर होवे सरकार। कब से इंतजार कर रहे हैं मेरा? सर मैं तो आपकी खुशी में सवेरे ही आ गया था। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? सरकार पैसों की क्या बात, आपका दीदार हो गया मेरे लिए यही बहुत है। बाकी आप जो खुशी से देंगे मैं हयाती की सबसे बड़ी वेल समझ के रख लूंगा, भले क्यों ना एक रुपए ही हो। एक आदमी जो मेरा नाम तक नहीं जानता उसे मेरी मोहब्बत कैसे खींच के लाई, ये आप मुझे समझा दीजिए प्लीज। मेरी मोहब्बत नहीं, आपकी ताकत खींच कर लाई है इसे। बेगार में लाए आप इसे, कोई कीमत तय किए बगैर सुबह से इंतजार कर रहा है मेरा। और ये फूल किसी बेचारे गरीब के बाग से तोड़ के लाए होंगे आप लोग, है कि नहीं? सर ये लोगों ने अपनी मर्जी से किया, आपकी मेहमान नवाजी में। मैं मेहमान नहीं हूं, असिस्टेंट कमिश्नर हूं, हकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता हूं अपने काम की। मैं कोई बाहर से आया हुआ गोरा नहीं हूं जिसके इस्तकबाल में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इन्हीं चोंचलों की वजह से मुलाजिम मेहमान बन जाते हैं। आपके सर झुकाने ने हर आने जाने वाले को सर पे चढ़ा लिया है। जब तक मैं यहां हूं ये तमाशे नहीं होंगे मेरे सामने, समझ आ गई आपको? जी सर। साफ कराएंगे। अमजद इधर आओ, इधर आइए, साफ कराओ। लाल हुसैन भाई आप लोग, आप जी सरदार जाइए आप। अपने फन को बेचना सीखो, लुटाना नहीं। जी सर। लाल बहुत कीमती होता है, चाहे वो लाल हुसैन हो या लाल खान। अपने फन की खुद कदर नहीं करोगे ना, इसी तरह बेगार में पकड़ के ले आएंगे तुम्हें। जी सर। और तुम्हारा पेट इसी ढोल की तरह खाली रहेगा। सरकार बोला आपको सलामत रखे। सरकार बोला हो आपका सरकार, बड़ी मेहरबानी। देख मेरी जान, अगर मैं उसके दफ्तर जाऊंगा ना तो लोग शायद ये समझेंगे कि मलक अला यार कुछ कमजोर हो गया है, इसलिए मुबारक देने उसके दफ्तर पहुंच गया।
पुत्र तू आएगा ना तो उसे डेरे पे बुला लेना, तेरा दोस्त है, बात बराबरी की हो जाएगी। तो समझा है पुत्र? मैं उधर गया या मैंने उसको इधर बुलाया तो लोग समझेंगे मलक अल्लाह यार चापलूसी कर रहा है। जी अच्छा, जैसा आप बेहतर समझे। ओ पुत्र, तेरी असेंबली की मियाद अगले महीने पूरी हो रही है ना? जी, बस एक आखिरी अलविदाई सेशन रह गया, वो भुगत कर आता हूँ तो फिर नए इलेक्शन की तैयारी करते हैं। केड़ा नया इलेक्शन पुत्र? तूने चौधरी मेहरुद्दीन को जबान नहीं दी थी कि अगले इलेक्शन में उसके पुत्र की बारी? उन्होंने मुझसे जबान लेने की कोशिश की थी दादाजी, मैंने उनको कोई जबान नहीं दी थी। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आप टेंशन ना लें, मैं उनसे मिलकर उनको सब कुछ समझा दूंगा, मना लूंगा उन्हें। मैं वहां आकर आपको सारी तफसील बताता हूँ। बोले अभी मलक अल्लाह यार, एक नवा कट्टा खुलने वाला है। सर मैं 90 दिन में मैक्सिमम हल्के कवर करना चाहता हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड होकर तमाम उम्मीदवारों के अच्छे बुरे काम को पब्लिक के सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में किसने कितना खाया और कितना लगाया, किसने कितने सब्ज बाग दिखाए और किसने सियासत को इबादत समझ के अपना फर्ज पूरा किया, ये सब बताना चाहता हूँ। आपका जो जी चाहता है करो। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल की इलेक्शन ट्रांसमिशन बाकी तमाम चैनल से यूनिक और बेस्ट हो। इंशाल्लाह सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। देखो अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मेरे मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं। सिर्फ चांस है? नहीं, गारंटी है, और चीफ मिनिस्टर बनने का चांस। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वोटों के साथ साथ खानदान भी तकसीम हो। खानदान कैसे तकसीम होगा? तुम्हारी इस बात से तो ये लग रहा है कि अगर हमने तुम्हें सपोर्ट ना किया तो तुम रानी को छोड़ दोगे। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं सियासत के पीछे अपना घर क्यों बर्बाद करूंगा? मैं तो ये सब कुछ दोनों घरों को और मजबूत करने के लिए कर रहा हूं। लेकिन तुमने वादा किया था कि इस बार मेरी बारी होगी। मैंने कोई वादा नहीं किया था, वो तो चाचा जान ने एक बात की थी, एक मशवरा दिया था सिर्फ। तुम्हें वो मशवरा ठीक नहीं लगा? देखो वकार, बात को समझने की कोशिश करो। मैंने वहां अपनी जगह बना ली है, सब लोग मुझे जानते हैं, पार्टी का टिकट मेरी जेब में है, सब यही चाहते हैं कि मैं ये सीट से इलेक्शन लड़ूं। इस्लामाबाद में मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अगर तुम्हारी इस्लामाबाद में पोजीशन स्ट्रांग है तो मेरी भी अपने इलाके में कोई इज्जत है। मैंने अपने वोटरों सपोर्टरों को वादा कर रखा है कि इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मलिकों की सपोर्ट के बगैर हार जाओगे। चौधरियों की सपोर्ट के बगैर तुम भी नहीं जीत सकते। अपने घर वाले को समझा इंसान का बच्चा बने, मुझसे दुश्मनी ना करे। वो अपने इलाके का मलिक है तो मैं भी चौधरी हूं, क्यों वो मुझे इस तरह शरीकों में जलील कराना चाह रहा है? उसे समझा ले, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले उसे मुझसे लड़ना पड़ जाए। किस तरह की बातें कर रहे हो? सियासत के पीछे अपने बहनोई से लड़ोगे? इस दुश्मनी की बुनियाद वो खुद रख रहा है। उसे प्यार से समझा दे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये इलेक्शन मेरी इज्जत का मामला है, और तुम्हें तो पता है चौधरी वकार अपनी इज्जत के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कुछ तो शर्म करो, अपने शरीफ माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। नशे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, हटो आगे से। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं उसे हमेशा के लिए हटा दूं। अगर आज के बाद तुमने मेरे शाह जैन के बारे में कोई बात की तो खुदा की कसम ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि घर से निकलने के काबिल नहीं रहोगे तुम। तू मेरी छोटी बहन होकर मुझ पर हाथ उठा रही है बेशरम। रानी तुम्हारी बहन थी, अब मेरी इज्जत है, और अपनी इज्जत पर किसी को हाथ तो दूर की बात,
मैं आंख भी नहीं उठाने दूंगा। अगली बार उठाया ना तो यही हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूंगा। चलो। अभी तो हमारा हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ऑर्डर है। अरे बेटा छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। मेरी बजाय साथ की केयर करो। कहाँ अम्मी, वो तो आते साथ ही सो गया था, थक जो इतना जाता है। जानती हूँ कितना थका हुआ है वो, बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा गाड़ी में। ऐसे ये तुम तीनों रातों को छुप छुप कर कहाँ जाते हो? कहीं नहीं अम्मी, वो जोरो को वॉक करवानी होती है ना, तो बस पार्क तक जाते हैं और फौरन वापस आ जाते हैं। अच्छा तो जाओ ना, खड़ी क्यों हो? ठीक है, शब बखैर, अल्लाह हाफिज। शब बखैर। क्या अम्मी को पता चल गया हम पकड़े गए? मुझसे पूछ रही थी तुम लोग इतनी इतनी देर को छुप छुप के कहाँ जाते हो? तो तुमने क्या कहा? क्या कहती, भाग गई वहां से। से क्या जालिम समाज है, शादी के बाद भी ना। अच्छा तुम कोई जरूरी बात करने वाले थे, क्या बात थी? मैं कश्मीर जा रहा हूं। कब? कल। उसके अभी तो हमारा हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ऑर्डर है। एलओसी पे टेंशन बढ़ गई और एस्केलेशन का खतरा है, तो हमारी यूनिट को हुक्म मिला कि फौरन पहुंचो। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। हेलो, ये एलओसी है, कोई पार्क नहीं है कि आप साथ चल पड़े? अच्छा रहोगी कहाँ? जहाँ तुम रहोगे। मैं तो बंकर में रहूंगा। तो मैं भी रह लूंगी। या अल्लाह मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल दे, वर्दी दे दिए, अकल भी दे दे प्लीज। अब बंकर कोई फ्लैट नहीं होता, एलओसी पे एक छोटा सा मोर्चा होता है, कभी देखा भी है? हाँ तो देख लूंगी ना, ऐसी क्या बड़ी बात है, डोंट वरी। कहीं नहीं जा रही हूँ, हमारा वहां कोई काम नहीं है। हालात ठीक हो जाएंगे मैं घर वापस आ जाऊंगा। कैसे चलें? चलें? अच्छा कहाँ जाना है? ओके नहीं बताना, मैं जोरो से पूछ। जोरो कहाँ जाना है? हाँ? ड्राइव पे? बारिश में? ओके अम्मी, मुझ पे शादी का प्रेशर डालने के बजाय अपने ब्लड प्रेशर की फिक्र करें, क्या कहते हैं डॉक्टर? बेहतरीन। अच्छा अम्मी आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने अच्छे से तुम्हारे इलाके में हूँ, अब जाके तुम्हारा दीदार नसीब हो रहा है। अरे यार बताया तो था जब आऊंगा इस्लामाबाद से तभी मिलूंगा। अब नहीं, चल। किधर? तेरे लिए अपने डेरे पे छोटी सी दावत का इंतजाम किया है, चल सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे लेने आया हूं। कौन सब? अरे यार अपने ही फैमिली के लोग हैं, दादाजी, अब्बा और कुछ खास मौजज़ीन।
टेंशन ना ले, ज्यादा लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं किया। मुझे लगा किसी जलसे पे लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं सुन, मुझे दो रिपोर्टें देखनी है, टाइम है तेरे पास? हाँ हाँ, टेक योर टाइम, टेंशन ना ले, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फ्री होके आ जाना। हाँ ओके ओके, बस 10 मिनट में आए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप आ रहे हैं ना आज? रानी ने आपके लिए स्पेशल मछली बनाई है। तुम्हारी मछली में कांटे बहुत ज्यादा हैं शाहजहान पुत्र, गले में फंस गए तो जिंदगी मुसीबत बन जाएगी। आज मुमकिन नहीं, एक जनाजे पे जाना। मैं आपको दावत पे बुला रहा हूँ, आप जनाजे पे जा रहे हैं। जनाजा ज्यादा जरूरी है, वोटर की गमी खुशी में ना जाओ तो वो वोट नहीं देता। इलेक्शन का जमाना है, अब तो ना सिर्फ जनाजे में जाना पड़ता है बल्कि कुल और 40वां भी भुगताना पड़ता है। चले कोई नहीं, आप अपनी जगह वकार को भेज दें, वो आपकी कमी पूरी कर देगा। मुझे उसे शहरयार से भी मिलवाना है। वो लाहौर गया हुआ है, कल वापस आएगा। जिंदगी रही तो तुम्हारे सिद्धों से फिर कभी मिल लेंगे। चलो मैं गया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एसी की दावत करके इलाके पे रोब जमाना चाह रही है? इलाके से ज्यादा हम पे रोब जमाना चाह रहा है एसी से दोस्ती का। बहुत मीठी छिरी हो गया मेरा दामाद, प्यार प्यार से काट रहा है। चलो वो हमें काटे, हम उसके वोट काटते हैं। पुत्र जाजैन, छोड़ फ्यूचर प्लानिंग को, तू फैमिली प्लानिंग की बात करना। देख कितने साल हो गए तेरी शादी को, तूने मुझे अभी तक परदादा नहीं बनाया। मैंने तो अपने अपने परपोते का नाम भी सोच लिया। देख पुत्र शाहजहां, जिस काम में अपनों के नाराज होने का खतरा हो वो करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी 10 नस्लों में कोई सियासतदान पैदा नहीं हुआ, फिर भी देख अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। और मुझे लगता है तेरे इलेक्शन के बाद जो हमारी इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जानी। लोग तेरे से नाराज है पुत्र। एक दो लोगों की नाराजगी के पीछे मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग खराब नहीं कर सकता। पुत्र जाजैन, छोड़ फ्यूचर प्लानिंग को, तू फैमिली प्लानिंग की बात करना। देख कितने साल हो गए तेरी शादी को, तूने मुझे अभी तक परदादा नहीं बनाया। मैंने तो अपने अपने परपोते का नाम भी सोच लिया। मलक रियासत शाहजैन, छोड़ तू ये सियासत को। ओ पुत्र, हम कब तक सियासत के पीछे रियासत का हक मारते रहेंगे? एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं ना और रानी मान जाए तो आपके परदादा बनने का शौक भी पूरा कर दूंगा मैं, लेकिन अपने बेटे का नाम हरगिज रियासत नहीं रखूंगा। हाँ अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं, आप चल रहे हैं मेरे साथ या मैं अकेला जाऊं नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने? तू अब अकेला किधर रहा है पुत्र, वो तेरे आगे पीछे चमचों और कड़छों की पूरी फौज है। मेरा होना नहीं होना, मेरा कुछ कहना नहीं कहना तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता नहीं। और एक बारी फिर सोच ले, तेरी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं रही है, लोग तुझे वोट देने के मूड में नहीं है पुत्र। वो आते हुए जूनियर साद के लिए बेबी कॉट लेते आना, आगे तुम खुद समझदार हो पार्टनर। ओ भाई मेरा मशवरा मान ले, खुद ही पीछे हट जाओ। इस दफा तुम्हारी पोजीशन बहुत कमजोर है, कहीं ये ना हो वोट मांगने जाओ और तुम्हें जूते और थप्पड़ खाने पड़ जाएं। हाँ रानी, जल्दी आओ, खुदा के लिए जल्दी आओ, मेरे शाहजहान को किसी ने गोली मार दी है। क्या दादाजी की बातों से क्या तुझे भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? तो क्या हुआ, शाहजहान है कहाँ?